क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट पी ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू टू मेक द स्ट्रेट लाइन फाइव एक्स माइनस टू वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो एट ए पॉइंट क्यू ऑन द वाई एक्सिस। देखो तो पॉइंट क्यू निकाल लो, पहले क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस का पॉइंट कह रहा है इसका, तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्स जीरो सब्स्टिट्यूट किया फाइव एक्स माइनस टू वाई प्लस सिक्स में, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। ये आपका क्यू पॉइंट निकल गया। ठीक है, अब उसके बाद पॉइंट पी जो है आपके सर्कल पे लाई कर रहा है। ठीक, ये सर्कल है आपका, ठीक, ये पॉइंट पी है और ये मान लो पॉइंट क्यू है, क्यू आपका है 0.3, ये है पॉइंट पी। ठीक, ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल है, रेडियस ये आर है, तो सी और आर को निकाल सकते हैं गिवन इक्वेशन में से। तो सी कितना हो जाएगा आपका -3, -3, -3, -3, और रेडियस कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब -3 का स्क्वायर और प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 9 और 18 2 20, √20, ये आपके पास √20 है। ठीक है, आप देखो ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सीक्यू स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस पीक्यू स्क्वायर। तो यहां से सीक्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 -0 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक, प्लस -3 -3 36 हो जाएगा इक्वल टू इसका स्क्वायर किए तो 20 प्लस वो लेंथ पूछ रहा है पीक्यू का होल स्क्वायर, तो इसे कर लिया तो ये इतना आ जाएगा 16 9 25 इज इक्वल टू पीक्यू का होल स्क्वायर। फिर सिंपलाइज पीक्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, यही आपसे पूछ रहा था। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक,